music. दोस्तों, हम जब भी रोड पर निकलते हैं तो हमारा सामना कई तरह के बेवकूफों से होता है और यही बेवकूफों की वजह से सड़क अनसेफ बन जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही बेवकूफ नमूनों को देखने वाले हैं जिसने लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो केम छो बका। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्रीवियस वीडियो पर कमेंट्स करने वाले विकी आर्मी गेमर, भावेश दरबार, दिनेश चौधरी, भारद्वाज शाहब, सुरेंद्र मुखर, अयाज प्रो और द भोलेनाथ बाबा, इन सभी का दिल से थैंक यू जिसने हमारी वीडियो पर कमेंट्स करके हमारा हौसला बढ़ाया। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपकी कमेंट्स भी दिखे तो इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से कोई अच्छी सी कमेंट्स कर दीजिए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत बुलेट चला रही इस अंकल के साथ हुए मिस हैपनिंग से करते हैं। अगर आप हेलमेट पहनते होगे तो आपको तो पता ही होगा कि हेलमेट पहनने से साइड का थोड़ा सा व्यू ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर एक बुलेट वाले अंकल साइड में देखे बिना ही आगे चल रही इस बस को ओवरटेक करने लगते है जिनसे वो पीछे से आ रही एक कार से टकरा जाते है। डेफिनेटली यहाँ पर अंकल की भी थोड़ी बहुत गलती थी, लेकिन ऊपर से रात का टाइम होने की वजह से पीछे से आ रही गाड़ियों की लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से बुलेट के साइड मिरर में ठीक से कुछ दिखा नहीं और इसी वजह से वो अंकल पीछे से आ रही गाड़ियों के डिस्टेंस का अंदाजा नहीं लगा पाए और उसके साथ ये मिस हैपनिंग हो गई। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर किसकी गलती थी। अब यहाँ पर रोड के किनारे खड़ी इस रेड कार के साथ एक बाइक वाला टकरा जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसे हादसे होते हैं जिनमें गलती किसकी थी वो ही नहीं कह सकते। जैसे कि यहाँ पर रोड के किनारे खड़ा एक रेड कार वाला काफी देर तक ट्रैफिक हटने का इंतजार करता है ताकि वो अपनी कार मोड़ सके। थोड़ी देर बाद जब ट्रैफिक स्लो डाउन होता है तो वे अपनी कार मोड़ने लगता है, लेकिन तभी एक बाइक वाला तेज स्पीड में आता है और इस कार से टकरा करके गिर जाता है। देखो दोस्तों, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि यहाँ पर किसकी गलती थी। सो इसीलिए इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है और यहाँ पर किसकी गलती की वजह से यह इंसिडेंट हुआ, प्लीज कमेंट करके जरूर कहें। दोस्तों, कुछ लोग हवाबाजी और शो ऑफ करने के चक्कर में रोड पर घूम रहे दूसरे लोगों को मुसीबत में डाल देते हैं, लेकिन कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर रेड कलर की जीप कंपास वाला एक बंदा अपनी जीप को समंदर के किनारे रेत में उतार देता है और पूरे सी शोर पर इधर उधर अपनी गाड़ी भगाने लगता है। काफी देर तक वो बंदा घूमने आए लोगों को ऐसे परेशान करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कर्मा उसका ऐसा हिसाब करता है कि अगली बार वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों, अब आप इस छपरी एडियट बाइकर को देखिए जो खुद की गलती होने के बाद भी सामने वाले को ऐसे धमका रहा है जैसे उसकी तो कोई गलती ही ना हो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस कार के पैरेलल एक पल्सर वाला भी चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब आगे सर्कल आता है तो वो पल्सर वाला पीछे देखे बिना ही अपनी बाइक मोड़ लेता है जिनसे वो पीछे से आ रही इस कार के साथ टकरा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात तो ये है कि खुद की गलती होने के बावजूद भी वो कार वाले को चिल्लाने लगता है, लेकिन उसको शायद ये पता नहीं था कि ये सारा इंसिडेंट डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया है। सो भाइयों, अगर आपके साथ कोई छपरी बाइकर ऐसा करता तो आप उनके साथ क्या करते कमेंट करके जरूर कहे। कहां से आते हैं?
अब यहाँ पर ये बेवकूफ अंकल रोड पर अपने स्कूटर को सांप की तरह भगा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस अंकल को इतनी जल्दी कहाँ जाने की है कि ठोकते ठुकाते वो अपने स्कूटर को ऐसे भगा रहे जैसे उनके पीछे कोई पुलिस पड़ी हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी गुज्जू कार हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।